व्हाट्सएप से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप ने कई बार ये साफ किया है कि अगर यूजर्स ऐसा करेंगे तो उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि अगर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। व्हाट्सएप वेब यूज़ करते समय सावधानी क्या बरतनी है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आमतौर पर दफ्तर में काम करने वाले लोग लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, यह खतरे से खाली नहीं है। व्हाट्सएप यूज़र्स कई ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उन्हें व्हाट्सएप अकाउंट से हाथ धोना पड़ सकता है। मल्टी डिवाइस अपडेट आने के बाद व्हाट्सएप वेब पहले से भी ज़्यादा मुश्किल भरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले व्हाट्सएप वेब तभी काम करता था जब आपके फ़ोन में इंटरनेट चल रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट ना हो तब भी व्हाट्सएप वेब यूज़ कर सकते हैं आप। ऐसे में ख़तरा ये है कि अगर गलती से आपके व्हाट्सएप वेब का एक्सेस किसी और को मिल गया तो ऐसे में आपके फ़ोन का इंटरनेट बंद होने पर भी आपके व्हाट्सएप का एक्सेस किसी और के पास रह सकता है। इससे बचना काफ़ी आसान है। आपको करना यह है कि आपको अपने फ़ोन के व्हाट्सएप एप्लीकेशन में व्हाट्सएप वेब सेशन में जाना है। यहाँ देखें कि व्हाट्सएप का कौन कौन सा वेब सेशन एक्टिवेटेड है जिसे आपने किया ही नहीं है। व्हाट्सएप वेब का कोई भी ऐसा सेशन दिख रहा है जिसे आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो तुरंत उसे लॉग आउट कर दें। यहाँ साइन आउट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऐसा करते ही किसी के पास भी आपका व्हाट्सएप ओपन अगर हो रहा होगा तो वो बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप बैकअप। व्हाट्सएप बैकअप से जुड़ी कई गलतियां लोग आमतौर पर कर डालते हैं। इनमें से एक ये भी है कि समय समय पर लोग बैकअप चेक नहीं करते। ऐसा न होने की वजह से अगर कभी आपको फ़ोन बदलना पड़े या सिम चेंज करना पड़े, बैकअप लेना है, तो सारे चेक्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आप समय समय पर व्हाट्सएप बैकअप सेटिंग्स में जाकर बैकअप लेते रहें। ऐसा करने से आपका जो तमाम चैट है बैकअप सुरक्षित रहेगा उसका, और अगर आप फ़ोन या सिम चेंज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके चैट्स गायब नहीं होंगे। व्हाट्सएप टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन या फिर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन न सिर्फ व्हाट्सएप बल्कि दूसरे एप्लीकेशंस के लिए भी ज़रूरी है। व्हाट्सएप में भी ये फीचर काफ़ी समय से दे दिया गया है। व्हाट्सएप यूजर्स ये सुनिश्चित कर लें कि उनका व्हाट्सएप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। इसके लिए व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाना होगा और आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन का कोड भूल जाएंगे तो व्हाट्सएप अकाउंट हमेशा के लिए आपके हाथ से जा सकता है। व्हाट्सएप सपोर्टिंग एप्लीकेशन। प्ले स्टोर और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन स्टोर्स पर ऐसे सैकड़ों ऐप्स हैं जो दावा करते हैं कि वो व्हाट्सएप यूज़ करने का एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेहतरीन कर देंगे। जी भी व्हाट्सएप का नाम आपने कई बार सुना होगा तो ये इनमें से एक है। इस एप्लीकेशन के जरिए दावा ये किया जाता है कि व्हाट्सएप का कलर बदल जाएगा और कुछ ऐसे फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो व्हाट्सएप में हैं ही नहीं। इतना ही नहीं, एप्लीकेशन कई ये भी दावा करते हैं कि वो व्हाट्सएप में ऑनलाइन स्टेटस को हाइड कर सकते हैं। यानी आप ऑनलाइन हैं फिर भी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हैं। अगर आप भी ऐसे एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है।